यूजी कृष्णमूर्ति का जन्म 9 जुलाई 1918 को आंध्र प्रदेश के एक नगर मछलीपट्टनम में हुआ था। उनका पालन पोषण गुडीवाड़ा के नज़दीकी नगर में हुआ था। उनकी मां की मृत्यु उनके जन्म के 7 दिनों बाद ही हो गई थी, जिसकी वजह से यूजी कृष्णमूर्ति की देखरेख उनके नाना के घर हुई। यूजी कृष्णमूर्ति के नाना एक धनी वकील थे, जो कि थियोसॉफी सोसाइटी से भी जुड़े हुए थे। यूजी कृष्णमूर्ति स्वयं भी अपनी किशोरावस्था में थियोसॉफी सोसाइटी से जुड़े थे। थियोसॉफी सोसाइटी से अपने जुड़ने को अपने नाना की वजह से वो विरासत में मिलने की बात कहा करते थे। अपने जीवन के इसी दौर में उन्होंने आध्यात्मिक साधना की शुरुआत मोक्ष प्राप्ति के लिए की थी। यहाँ पर एक बात समझ लेना महत्वपूर्ण है कि मोक्ष की कामना से की गई आध्यात्मिक साधना हमें बहुत जल्दी ही बेचैनी से भर देती है। आध्यात्मिक यात्रा कोई व्यवसाय नहीं है कि जिसका अंतिम उद्देश्य मुनाफा कमाना हो। आध्यात्मिक यात्रा तो अनंत धैर्य रखकर ही की जा सकती है। मोक्ष कोई कामना नहीं है, मोक्ष तो सभी कामनाओं की व्यर्थता को होशपूर्ण होकर जान लेने के बाद बूंद के समुद्र में मिल जाने जैसी अवस्था है। मोक्ष की कामना सिर्फ मन का खेल है और इस बात की सतर्कता होना बहुत आवश्यक है, अन्यथा कई लोग हार मानकर मोक्ष और संबोधि को अपनी जल्दबाजी और कामनाओं की आदत के कारण नकार देते हैं। इसके अलावा कुछ साधक आध्यात्मिक साधना की शुरुआत करते तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए हैं, लेकिन शीघ्र ही अपने अनुभव और समझ से ये जान लेते हैं कि मोक्ष प्राप्ति की कामना भी एक इच्छा ही है। फिर वो उस कामना को गिराकर धैर्यपूर्वक साधना करते हैं। हालांकि यूजी कृष्णमूर्ति के अंदर मोक्ष को जानने की जल्दबाजी थी, लेकिन फिर भी मैं उनकी सराहना करूंगा कि उन्होंने सदैव प्रयास करने का जोखिम उठाया, लेकिन धैर्य के अभाव में वो संबोधि से अछूते रहे हैं। यूजी कृष्णमूर्ति ने स्वामी शिवानंद जैसे संबुद्ध व्यक्ति के साथ कई सालों तक हिमालय में योग और ध्यान की साधना की है। अपने 20 के दशक में यूजी कृष्णमूर्ति ने मद्रास विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान, दर्शन, रहस्यवाद और विज्ञान का अध्ययन करना शुरू किया, पर उन्होंने अपने मास्टर्स प्रोग्राम को ये कहते हुए छोड़ दिया कि पश्चिम के उत्तर, जिन्हें वो आवश्यक प्रश्न मानते थे, किसी भी सूरत में पूर्व के उत्तरों से बेहतर नहीं थे। 1939 में 21 वर्ष की आयु में उनकी मुलाकात रमण महर्षि से हुई। यूजी कृष्णमूर्ति रमण महर्षि से प्रश्न करते हैं कि मोक्ष क्या है, क्या आप मुझे मोक्ष दे सकते हैं? इस प्रश्न के उत्तर में रमण महर्षि कहते हैं, मैं इसे दे तो सकता हूँ, पर क्या तुम इसे ले सकते हो? जाहिर है यूजी कृष्णमूर्ति की आतुरता को देखते हुए रमण महर्षि ने उनसे ऐसा कहा था। उस समय यूजी कृष्णमूर्ति ने रमण महर्षि के उत्तर को उनका अहंकार समझा था, लेकिन यूजी बाद में उनके उत्तर का अर्थ समझ जाते हैं। 1941 में वो लीडवीटर की लाइब्रेरी में थियोसॉफी सोसाइटी के लिए काम करना शुरू कर देते हैं। इसके कुछ समय बाद उन्होंने थियोसॉफी सोसाइटी की तरफ से नॉर्वे, बेल्जियम और अमेरिका का दौरा करते हुए इंटरनेशनल लेक्चर टूर किया। 1943 में भारत लौटने पर उन्होंने 25 वर्ष की उम्र में कुसुमा कुमारी नाम की महिला से विवाह किया। थियोसॉफी संस्था से जुड़े होने के कारण 1947 से 1953 तक उन्होंने नियमित रूप से मद्रास में जिद्दू कृष्णमूर्ति के लेक्चर्स में भाग लिया। जिद्दू कृष्णमूर्ति के बारे में अगर आप लोग और जानना चाहते हैं तो आप हमारे इस वीडियो को देख सकते हैं। 1953 के मध्य में जिद्दू कृष्णमूर्ति के साथ उनकी चर्चा भी हुई, जिसके बारे में कहते हुए वो बताते हैं कि जिद्दू कृष्णमूर्ति उनके सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं दे रहे थे, जिसकी वजह से उनकी चर्चा निष्कर्षहीन रह जाती है। यूजी कृष्णमूर्ति बताते हैं कि जब उन्होंने जिद्दू कृष्णमूर्ति से पूछा
कि मुझे बताओ, जो अमूर्त बातें आप मुझसे कह रहे हैं, क्या उसके पीछे कोई अनुभव है जो आप मुझे बता सको? तब जिद्दू कृष्णमूर्ति कहते हैं कि तुम्हारे पास इसे स्वयं से जानने का कोई तरीका नहीं है। यूजी कहते हैं कि ये हमारी चर्चा की समाप्ति थी। वे कहते हैं कि अगर मेरे पास जानने का कोई तरीका नहीं है और आपके पास इसे जता पाने का कोई तरीका नहीं है, तो आखिर हम कर क्या रहे हैं? मैंने 7 साल बर्बाद कर दिए। ये कहकर यूजी जिद्दू कृष्णमूर्ति से ब्रेकअप कर लेते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जब जिद्दू कृष्णमूर्ति यूजी से कहते हैं कि तुम्हारे पास इसे स्वयं से जानने का कोई तरीका नहीं है, तो इसे वो यूजी के निष्कर्ष पा लेने की व्यग्रता की वजह से कहते हैं। वे अच्छी तरह जानते हैं कि फिलहाल यूजी जिस स्थिति में हैं, वहाँ अनंत को स्वयं से जानने का कोई तरीका उनके पास नहीं है, क्योंकि अनंत को शाब्दिक या व्यग्र होकर नहीं जाना जा सकता है। अनंत को तो बस अनंत का हिस्सा होकर ही जाना जा सकता है। अब जिद्दू कृष्णमूर्ति स्वयं तो संबुद्ध थे, लेकिन उनके पास ऐसी कोई विधि नहीं थी जिससे कि यूजी की आतुरता को धैर्य में आसानी से ढाला जा सके। जिद्दू कृष्णमूर्ति सांख्य के परम धनी रहे हैं, लेकिन वो सिंगल डायमेंशन मास्टर रहे हैं। भाव के तल पर वो हृदय में गहरे नहीं उतर पाते थे, और यूजी जैसे व्यक्तित्व को मस्तिष्क से उतार कर भाव के तल पर ले जाकर ही जताया जा सकता था। असल में यूजी कृष्णमूर्ति जैसे व्यक्तित्व को बुद्ध जैसे मल्टी डायमेंशनल गुरु ही शांत कर सकते हैं, क्योंकि वो उनके उलझे हुए सवालों के उत्तर के साथ साथ उन्हें उनके अनुसार ध्यान विधि भी देंगे, ताकि उनका हृदय भी ग्रहण करने योग्य हो सके। ज्ञान ग्रहण करने के लिए मस्तिष्क की समझ के साथ साथ हृदय के द्वार खुले होने भी आवश्यक हैं। जिद्दू कृष्णमूर्ति से अपने इस ब्रेकअप के बाद यूजी ने अपनी यात्राएं और लेक्चर देना जारी रखा। 1955 में यूजी अपने बेटे के इलाज के लिए परिवार के साथ अमेरिका चले गए और 5 साल तक वहीं रहे। अपनी वैवाहिक समस्याओं के कारण यूजी परिवार से अलग लंदन रहने चले गए। पैसे की कमी के कारण वो लंदन में 3 महीने तक रामकृष्ण मिशन के लिए काम करते रहे। मिशन छोड़ने से पहले उन्होंने वहाँ रह रहे मिशन के स्वामी जी के लिए एक पत्र छोड़ा, जिसमें उन्होंने बताया कि वह एक नए व्यक्ति बन गए हैं। इसी समय जिद्दू कृष्णमूर्ति भी लंदन में थे। जिद्दू कृष्णमूर्ति ने यूजी को उनकी वैवाहिक जीवन में चल रही परेशानियों की मदद के लिए सलाह देने की कोशिश की, लेकिन यूजी ने मना कर दिया। जिद्दू कृष्णमूर्ति ने किसी तरह यूजी को लंदन में अपनी सेमिनार को सुनने के लिए राजी किया, क्योंकि जिद्दू कृष्णमूर्ति ये जानते थे कि यूजी के अंदर संभावना थी, लेकिन यूजी को उनके लेक्चर से बोरियत महसूस हुई। 1961 में वो अपने परिवार को पूरी तरह से छोड़ देते हैं। वो लंदन छोड़कर 3 महीने पेरिस में बिताने के बाद जिनेवा पहुंचते हैं। इस समय तक वो पूरी तरह से आर्थिक तंगी से घिर चुके थे। उनके पास होटल का बिल चुकाने तक के पैसे नहीं बचे थे। तब उन्होंने भारतीय दूतावास में शरण मांगी और वहाँ के अधिकारियों से अनुरोध किया कि उन्हें वापस भारत भेज दिया जाए, जिसे तब अधिकारियों ने मना कर दिया। वहाँ वैलेंटाइन डे कर्बेन नाम की एक दूतावास अधिकारी से उनकी मित्रता हो जाती है, और वो यूजी को आश्रय देने के लिए कहती हैं, जिसके बाद वो यूजी को स्विट्जरलैंड में एक घर दिलवा देती हैं। कुछ सालों तक यूजी ने आत्मज्ञान के विषय से संबंधित कोई चर्चा नहीं की, लेकिन 1967 तक वे फिर से आत्मज्ञान से संबंधित विषयों के बारे में जानना चाहते थे। वे जानना चाहते थे कि वो क्या अवस्था थी जिसे गौतम बुद्ध ने प्राप्त किया था। इसी बीच उन्हें सानेन में हो रहे जिद्दू कृष्णमूर्ति के लेक्चर के बारे में पता चलता है। यूजी इसमें भाग लेने का फैसला करते हैं। इस लेक्चर में जिद्दू कृष्णमूर्ति संबोधि की अवस्था का वर्णन कर रहे थे, लेकिन उसे सुनने के दौरान यूजी को एक अनुभव होता है कि जैसे जिद्दू कृष्णमूर्ति जिस संबोधि की अवस्था का वर्णन कर रहे थे, वो यूजी की ही अवस्था के बारे में बात कर रहे थे।
यूजी कहते हैं कि जिद्दू कृष्णमूर्ति जिस अवेयरनेस और मौन की बात कर रहे थे वो मेरे अंदर थी। इन 30-40 वर्षों तक मैं क्या करता रहा, जीजस या बुद्ध की संबोधि की स्थिति के बारे में जानने का प्रयास करता रहा, जबकि अब मैं स्वयं उस स्थिति में था। फिर यूजी उस हॉल से बाहर निकल जाते हैं। इसके बाद उनके भीतर प्रश्न उठता है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं संबोधि की अवस्था में हूँ, उस अवस्था में जिसे मैं हमेशा से जानना चाहता था। मैं उस अवस्था में था, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं उस अवस्था में हूँ। यहाँ आप यूजी के भीतर चल रहे द्वंद्व को देख सकते हैं कि एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि वो उस अवस्था में हैं, और दूसरी तरफ मुझे कैसे पता चलेगा ये अभी भी जानना शेष है। जबकि संबोधि का अनुभव वैसा ही है जैसा नींद से जाग जाना। क्या कभी नींद टूट जाने के बाद जब आप जाग जाते हैं तो आपको ये संदेह होता है कि आप अभी भी सोए हुए हैं? यूजी का संदेह उनके जल्दबाजी में निष्कर्ष पर पहुंच जाने की बेचैनी के कारण उपजा था। इस घटना के कुछ दिनों बाद वो ये जान जाते हैं कि उनके इस प्रश्न का कि उन्हें कैसे पता चलेगा कि वो संबोधि की अवस्था को उपलब्ध हैं या नहीं, इसका कोई उत्तर नहीं है। ये प्रश्न ही निरर्थक है। ये क्षण काफ़ी कीमती था और इस क्षण में उन्हें एक आध्यात्मिक अनुभव होता है। इस अनुभव के बारे में बताते हुए यूजी कहते हैं कि ये एक विस्फोट की तरह था, मानो उनके शरीर की हर कोशिका, हर तंत्रिका और हर ग्रंथि नष्ट हो रही थी। वो इसे मृत्यु जैसा अनुभव बताते हैं। असल में उनका ये अनुभव कुंडलिनी जागरण का था। यूजी की बातों में कभी कभी जो कुछ सौंदर्य और अज्ञात की झलक मिलती है वो इसी आध्यात्मिक अनुभव की वजह से है, और उनके इर्द गिर्द पैदा हुए आकर्षण का कारण भी यही है। पर कुंडलिनी जागरण का अनुभव संबोधि नहीं है। यहाँ पर यूजी ही नहीं, कई साधक चूक जाते हैं। वो इस अनुभव को संबोधि समझ बैठते हैं, और यहीं पर गुरु की सबसे बड़ी आवश्यकता होती है। गुरु इन सारे खेलों को देखकर मुस्कुराता है और साधक को आगे बढ़ने के लिए कहता है। यूजी के अंदर आध्यात्मिक यात्रा करने का साहस तो था, और अस्तित्व ने उनके लिए स्वामी शिवानंद, रमण महर्षि और जिद्दू कृष्णमूर्ति जैसे संबुद्ध गुरुओं की व्यवस्था भी की। पर निष्कर्ष की जल्दबाजी में यूजी उन सभी को चूकते गए और अंत में अपने एक आध्यात्मिक अनुभव को ही संबोधि मान लिया। ये घटना हम में से भी कई साधकों के साथ घट सकती है और घटी है। आध्यात्मिक अनुभवों के प्रसाद के आनंद और धैर्य के अभाव में ये चूक इतनी बारीक है कि इसके बारे में पहले से जानकारी होना आवश्यक है, ताकि हम इसके प्रति सतर्क रह सकें। और इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य भी यही है। अपने इस अनुभव के बाद यूजी अपनी चर्चाओं में आध्यात्म से जुड़ी लगभग सभी धारणाओं का खंडन करते रहे। अपनी बातों के बारे में वो कहते थे कि मेरी कोई शिक्षा नहीं है, केवल असंबद्ध अलग थलग वाक्य हैं, और मैं हमेशा अपने पहले कथन को दूसरे और दूसरे को तीसरे से नकार देता हूँ। यूजी की मृत्यु 22 मार्च 2007 को इटली के बेलेक्रोसिया में हुई थी। बॉलीवुड के फिल्म डायरेक्टर महेश भट्ट, जो कि उनसे बहुत प्रभावित रहे थे, उनके द्वारा यूजी का अंतिम संस्कार किया गया। जब जिद्दू कृष्णमूर्ति आध्यात्म से जुड़ी हुई धारणाओं का खंडन करते हैं तो उनके खंडन करने में भी एक ग्रेस है, लेकिन यूजी के खंडन में सिर्फ उग्रता नजर आती है। और ओशो जब अपने कथनों को नकारते थे तो उनका उद्देश्य यही होता था कि लोग उनकी बातों पर पकड़ ना बनाएं, सिर्फ सत्य को जानने के मार्ग पर आगे बढ़ें। लेकिन यूजी के नकार का निष्कर्ष सिर्फ नकार ही था। अगर आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इसे अपने मित्रों के साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सभी मित्रों का धन्यवाद।